आखिर क्यों बने धामी मोदी की पसंद। धामी की दोबारा ताजपोशी के बाद एक सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि चुनाव हारने के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व ने धामी को ही आखिर क्यों चुना। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं। पहला, धामी युवा है और उन्होंने बीते 8 महीने में अपने को साबित किया है। दूसरा, धामी ने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। नतीजा, बीजेपी एक बार फिर 2/3 बहुमत से चुनाव जीत गई। तीसरा, बीजेपी बार बार मुख्यमंत्री बदलने की तोहमत से जूझ रही थी। ऐसे में धामी को ही बागडोर सौंपकर उसने स्पष्ट कर दिया कि वो भी बार बार मुखिया बदलने के पक्ष में नहीं है। चौथा, धामी के लिए कई विधायक अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हो गए, ये बात भी उनके पक्ष में गई। पांचवा, धामी ने बड़े नेताओं से लगातार संवाद रखा, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की शुरुआत की। छठा, धामी को चुनाव हारने के बाद उत्तराखंड के युवा वर्ग ने दोबारा सत्ता सौंपने की मुहिम चला दी, ये बात भी धामी को मजबूती दे गई। कुल मिलाकर हम इतना ही कहेंगे कि राजयोग पुष्कर धामी के साथ है, मगर क्या वो जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।